हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार दशहरा सत्य पर सत्य की जीत तथा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व की धूम नवरात्र के शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाती है और इन 9 दिनों में विभिन्न जगहों पर रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। 10वें दिन भव्य झांकियां और मेलों के आयोजन के बाद रावण के पुतले का दहन कर बुराई के खात्मे का संदेश दिया जाता है। मयूरपुर में विजयदशमी के अवसर पर खेल मैदान में 35 फुट ऊंचे रावण के पुतले को देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 10 से 15 हजार की संख्या में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। रामलीला के अंतिम दिन राम रावण का युद्ध काफी रोमांचित करने वाला रहा। भगवान राम को विभीषण द्वारा नाभि में अमृत होने का रहस्य बताए जाने के बाद प्रभु श्री राम द्वारा किए गए प्रहार के बाद दशानन धराशायी हो गया, जिससे लंका की सेना में हाहाकार मच गया तथा श्री राम की सेना में हर्ष और उल्लास का माहौल छा गया। राम रावण युद्ध देखने दर्जनों गांव के लोगों ने उपस्थित होकर रामलीला के कलाकारों का मनोबल बढ़ाया और मेले का काफी लुफ्त उठाया। मजबूत व बुराई पर अच्छाई की जीत विजयदशमी के त्योहार पर लोगों ने सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। पुतले के दहन के बाद आतिशबाजी के साथ किया मेला का समापन, जिसे लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। इस दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सेल्फी मत लो यार, वीडियो बना रहे हैं भाई। जय श्री राम। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।